गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन टू व्हाट आई विल टीच टुडे। टुडे आई विल टीच प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन मीन्स कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप है, तो इस कार्बन के दोनों ये रेस्ट वैलेंसी पर एल्किल ग्रुप अटैच हो, जैसे आर आर डैश। तो दिस जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, सी डबल बॉन्ड CH3। इसको एसीटोन हम बोलते हैं, या हम लिख सकते हैं C2H5 और इधर C6H5। फेनिल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप में दोनों तरफ एल्किल ग्रुप, या एक तरफ एरिल ग्रुप और एक तरफ एल्किल ग्रुप हो तो उसे हम कहते हैं कीटोन। ठीक है, हमको कीटोन का प्रिपरेशन करना है, वो भी किससे, तो फ्रॉम एसिल क्लोराइड। अब यहाँ पर क्वेश्चन था कि एसिल क्लोराइड क्या है भाई, तो एसिल ग्रुप आर, इसे कार्बोनिल ग्रुप है CO, उससे एक एल्किल ग्रुप और एक इधर हाइड्रोजन ग्रुप, ये एसिल ग्रुप कहलाता है। ठीक है ना, तो हमें ये एसिल ग्रुप से कीटोन ऑब्टेन करना है। एसिल ग्रुप हम लिख सकते हैं यहाँ पर ना CH3COCl, एसीटिल क्लोराइड, ये एसिल ग्रुप है। CH3COBr भी लिख सकते हैं, CH3CO यहाँ पर I भी लिख सकते हैं। तो हमें प्रिपेयर करना है कीटोन, और किसी से कीटोन को प्रिपेयर करना है तो एसिल ग्रुप से प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि डाई एल्किल कैडमियम को ट्रीट करते हैं एसिल ग्रुप RCOCl से। अब माइंड में है भाई डाई एल्किल कैडमियम ये क्या है, तो डाई एल्किल कैडमियम होता है R2CD, ये डाई एल्किल और कैडमियम, इसको हम ट्रीट करेंगे। किसको, ये डाई एल्किल कैडमियम को हम इस डाई एल्किल, ये डाई एल्किल हो गया, कैडमियम को ट्रीट करेंगे इससे एसिल से, क्लोराइड से, हैलाइड से, तो हमें क्या ऑब्टेंड होगा, कीटोन मिल जाएगा। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले डाई एल्किल कैडमियम प्रिपेयर करते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे भाई, तो डाई एल्किल कैडमियम इज प्रिपेयर्ड बाई रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम क्लोराइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे और हमें डाई एल्किल कैडमियम प्रिपेयर होता है। उस डाई एल्किल कैडमियम को हम एसिल हैलाइड से रिएक्ट करा देते हैं तो हमें कीटोन ऑब्टेंड हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ कैडमियम क्लोराइड, ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ कैडमियम क्लोराइड, इट गिव्स डाई एल्किल कैडमियम। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में डाई एल्किल कैडमियम रिएक्ट विथ एसिल हैलाइड एंड गिव्स कीटोन। तो फर्स्ट ऑफ क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, टू मॉलिक्यूल्स टू RMgX ये ले लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसको हम ट्रीट करेंगे कैडमियम क्लोराइड CdCl2 से, ट्रीट कर देंगे इसको।
तो हमें प्रोवाइड होगा, क्या मिलेगा, डाई एल्किल कैडमियम R2CD, ये है आपका डाई एल्किल कैडमियम। ये क्या है, डाई एल्किल कैडमियम, ठीक है, और बाई प्रोडक्ट रूप में आपका मिल जाएगा 2 mg इसमें HCl। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ कैडमियम क्लोराइड एंड गिव्स डाई एल्किल कैडमियम। अब इस डाई एल्किल कैडमियम को हम ट्रीट कर देंगे एसिल हैलाइड से। तो डाई एल्किल कैडमियम लेंगे R2CD के लिए, और इसको हम ट्रीट कर देंगे किससे, तो इसको ट्रीट कर देंगे हम आपका डाई एल्किल कैडमियम को एसिल क्लोराइड, ये 2RCOX एसिल क्लोराइड ले लीजिए, ठीक है, क्या ले लेंगे, एसिल हैलाइड या एसिल क्लोराइड, चलिए क्लोराइड ले लीजिए, एसिल क्लोराइड यहाँ पर, और ट्रीट कर दीजिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, एसीटोन मिल जाएगा। चूँकि ये 2 है और 2 है तो यहाँ पर 2 मालिक्यूल्स आपका कीटोन मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कीटोन इससे, और बच जाएगा आपका CDCl2 ये निकल जाएगा। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एसिल क्लोराइड। तो एसिल क्लोराइड से कीटोन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम ऑब्टेन करने के लिए डाई एल्किल कैडमियम को हम ट्रीट करते हैं किससे, एसिल हैलाइड से, एसिल क्लोराइड से। तो हमें कीटोन ऑब्टेन होता है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे और मिलेगा डाई एल्किल कैडमियम, और इस डाई एल्किल कैडमियम को हम एसिल क्लोराइड से रिएक्ट करा देंगे, तो हमें एसीटोन ऑब्टेन हो जाता है। और दूसरे मेथड से अब हम देखते हैं, अभी तो अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्रिल। पहला था तो एसिल क्लोराइड से हम लोग बना लिए थे, अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन किससे है, नाइट्रिल से है। हम लोग नाइट्रिल से कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसको जो है हम क्या करना है देखना है। तो नाइट्रिल से ऑब्टेन करेंगे, तो इसमें नाइट्रिल फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रिल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है और एक इंटरमीडिएट बनाता है, ठीक है, और उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें मिल जाएगा आपका क्या चीज, तो कीटोन ऑब्टेन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि नाइट्रिल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके और एक इंटरमीडिएट बनाता है जिसको हम एडक्ट बोलते हैं, और वह हाइड्रोलिसिस के बाद कीटोन में ऑब्टेन हो जाता है, हमें कीटोन जो है क्या रहता है मिल जाता है। तो पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रिल एथिल साइनाइड मेथिल साइनाइड कुछ भी हम ले सकते हैं, जैसे नाइट्रिल मतलब क्या हो जाएगा, मेथिल साइनाइड ले लेंगे, मेथिल साइनाइड इसको हम नाइट्रिल बोल सकते हैं, या एथिल साइनाइड C2H5CN, या फिनिल साइनाइड ले लीजिए C6H5, तो ये है आपका नाइट्रिल, और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं किससे, तो इसको हम ट्रीट कर देंगे आपका कीटोन प्रिपेयर करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है।
तो हमें इंटरमीडिएट मिलेगा, और उस इंटरमीडिएट का हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो हमें कीटोनाइट्रेट हो जाएगा। तो पहले ले लेते हैं हम आपका CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। पहले ट्रीट कर दिए इसको किससे, तो ग्रिग्नार्टिजेंस मान लीजिए कि हम फेनिल C6H5MgBr यही जो है कि हम ले लिए ग्रिग्नार्टिजेंट। इससे ट्रीट कर दिए तो एक इंटरमीडिएट हमें ऑब्टेन होगा, क्या मिलेगा इंटरमीडिएट CH3 CH2, ठीक है सी हो जाएगा ये C6H5, और यहाँ पर आपका NMgBr ये आपका इंटरमीडिएट एक हो जाएगा। ये क्या है, एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा, ठीक है ए डक्ट। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, क्या करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O+, तो हमें क्या मिल जाएगा एसीटोन ऑप्शन हो जाएगा C2H5 C6H5। ये हमें कीटोन मिल गया एथिल फेनिल कीटोन, क्या हो गया ये एथिल फेनिल कीटोन मिल गया हमें, अपटेंड हो जाता है ये कीटोन। कैसे, तो हम कैसे अपटेंड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाइट्रिल मीन्स एथिल साइनाइड को लेते हैं और ग्रिग्नार्टिजेंट फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पर मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, ग्रिग्नार्टिजेंट लेंगे और ट्रीट करेंगे तो ये इंटरमीडिएट बनता है और इसको हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो एसीटोन प्राप्त हो जाता है। तो किससे हो गया, ये हो गया फ्रॉम नाइट्रिल से, किससे हो गया फ्रॉम नाइट्रिल्स, ये सीएनस। अब हम फ्रॉम बेंजीन से कर सकते हैं, फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन मीन्स फ्रॉम बेंजीन, इसका मतलब क्या, मतलब कि बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को हम एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंट में ट्रीट करते हैं एसिल क्लोराइड या फेनिल क्लोराइड से, तो हमें एसीटोन ऑब्टेन हो जाता है। किसे किसे ध्यान देना है, बेंजीन आर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंट में तो हमें एसिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलेगा एसीटोन। फेनिल डाइफेनिल कीटोन या एसीटोफिनॉन अपडेंट हो जाएगा जिसको हम कीटोन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, तो हम बेंजीन लेंगे, ले लिए बेंजीन, इसको ट्रीट कर दिए किससे फेनिल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड से, ये फेनिल हो गया, इसको एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl ले लिए ट्रीट कर दिए तो हमें मिल जाएगा डाइफेनिल कीटोन।
डाइफिनिल कीटोनियम की। इसको हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जब हम बेंजीन में ऐड करेंगे, ठीक ना, क्या चीज, ये आपका फिनिल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के साथ, अब ये दूसरे स्टेप पे मिल सकते हैं। बेंजीन ले लीजिए और रिएक्ट कर दीजिए CH3CO3। सेम कंडीशन रहेगा ये एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो हमें एसीटोफिनान ऑब्टेन हो जाएगा। क्या मिलेगा? एसीटोफिनान। तो इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये हो गया आपका फ्रॉम नाइट्रिल और ये हो गया फ्रॉम बेंजीन। तो हम कीटोन बनाने के 3 मेथड पढ़े। पहला एसिल हैलाइड से, दूसरा नंबर फ्रॉम नाइट्रिल से, और तीसरा नंबर फ्रॉम बेंजीन से। ठीक है।